बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। यहां बहुजन समाज पार्टी के लाइन से नेता बैठे हैं जिनको बहन कुमारी मायावती जी ने निकाल बाहर कर दिया है। बहन जी ने मौर्य जी को पहली बार धक्का देकर जो बाहर निकाला वो इसलिए निकाला, मानवर कांशीराम जी के नारे को बदल दिया। मानवर कांशीराम जी कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव सौ में साठ, यानी दोनों सामाजिक भागीदारी के पक्षधर थे। सोमवार को रायबरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा संस्थापक मानवर काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन इस राजनीति के बैकग्राउंड में देखें तो मंच पर फिर एक बार वे सभी नेता एक साथ नजर आए जो बसपा से टूटकर सपा में शामिल हुए थे। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर इंद्रजीत सरोज, आरएस कुशवाहा और भगवती प्रसाद सागर जैसे नेता मौजूद रहे। इन सभी नेताओं ने जहां लोहिया, अम्बेडकर, कांशीराम की तो बात की ही, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती पर भी तीखे हमले किए। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि आज मंच पर बसपा के सभी टॉप 10 नेता बैठे हुए हैं। कांशीराम साहब कहकर गए थे कि वोटों वाला जीतेगा और नोटों वाला हारेगा, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने ये नारा बदल दिया और कहा कि नोटों वाला जीतेगा और वोटों वाला हारेगा। आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ये जन सैलाब इकट्ठा करने का काम किया है, यह इस बात का प्रतीक है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की देश से विदाई तय मानी जाएगी। साथियों, कांशीराम जी कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मानवर श्री कांशीराम जी कहा करते थे। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव सौ में साठ, यानी दोनों सामाजिक भागीदारी के पक्षधर थे। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है, उन्होंने कह दिया है कि मेरी समाजवादी साइकिल का एक पहिया अगर लोहिया जी के विचारों का होगा तो दूसरा डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों का होगा। साथियों, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। यहां बहुजन समाज पार्टी के लाइन से नेता बैठे हैं जिनको बहन कुमारी मायावती जी ने निकाल बाहर कर दिया है। मानवर कांशीराम जी कहते थे, माननीय मौर्य जी, कि वोटों वाला जीतेगा, नोटों वाला हारेगा, लेकिन बहन जी ने मौर्य जी को पहली बार धक्का देकर जो बाहर निकाला वो इसलिए निकाला, मानवर कांशीराम जी के नारे को बदल दिया और कहा नोटों वाला जीतेगा, वोटों वाला हारेगा, ये नारा बदलने का काम किया। हमें भी धक्का दे दिया। ये आरएस कुशवाहा जी बेचारे सलेमपुर लड़ने गए प्रदेश अध्यक्ष जी, ये भी जो है बहुत देर में फैसला लिए। अरे एक पहले टीवी पर ऐड आता था, असरानी प्रचार करता था सिल्वेनिया लक्ष्मण बल्ब का प्रचार और कहता था पूरे घर को बदल डालूंगा, वही बहन कुमारी मायावती जी ने किया, पूरी पार्टी के नेताओं को बाहर करने का काम किया। मैं साथियों में कहना चाहूंगा, ऐ दलित पिछड़े अकलियत समाज के लोगों, दबे कुचले पिछाड़े गए समाज के लोगों, अगर आपको नौकरी पाना है, आरक्षण पाना है, संविधान बचाना है, आपके बेटे कल जो है नौकरियों में जाएं, आप भी सत्ता में काबिज हो सके, तो अब इस देश में कोई और नेता नहीं बचा है जो आपकी लड़ाई लड़ सके, आपको भागीदारी दे सके। अगर कोई नेता के रूप में बचे हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं जो आपको हिस्सेदारी और भागीदारी दिला सकते हैं। लेकिन इस दौरान मंच पर तमाम नेताओं के बीच जो जुगलबंदी दिखी, उसके बाद यूपी की राजनीति में फिर एक बार सामाजिक आंदोलन वाली मंडल की राजनीति की खिचड़ी पकती हुई दिखाई दे रही है। देखिए एक रिपोर्ट। काशीराम और मुलायम सिंह यादव एक साथ आए और उस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की। अब
एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में काशीराम के नाम पर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है और यह कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है और समाजवादी पार्टी की इस कोशिश में साथ दे रहे हैं बीएसपी के वो नेता जो कभी काशीराम के द्वारा स्थापित की गई बीएसपी में अगुवाकार थे, जो शीर्ष नेतृत्व के अगुवा पंक्ति में रहते थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य, आरएस कुशवाहा समेत तमाम वो नेता जो बीएसपी में थे लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसी भरोसे पर समाजवादी पार्टी को अब लगता है कि एक बार फिर वो सत्ता हासिल करेगी और इस सत्ता हासिल करने के रास्ते में साथ देंगे दलित, पिछड़े और उनके साथ आएंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।